चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑन बल्ब प्रॉब्लम्स। हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम लोग पढ़ेंगे बल्ब प्रॉब्लम्स। बल्ब प्रॉब्लम्स तो देखो क्वेश्चन, मान लो आपने इंडिया में एक बल्ब खरीदा, उस बल्ब के ऊपर लिखा था 100 वाट 220 वोल्ट। 100 वाट क्या शो कर रहा है, ये इसकी पावर शो कर रहा है, पावर रेटिंग को शो कर रहा है 100 वाट, और 220 वोल्ट मतलब इतनी की सप्लाई दोगे 220 वोल्ट की, तो ये पावर कितनी जनरेट करेगा 100 वाट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या मैं? मैंने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर V स्क्वायर बाई R, ये पावर का फॉर्मूला है। तो यहां से बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। R इक्वल टू हो जाएगा, V कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर 100, जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये आएगा 484 ओम। तो जो 100 वाट का बल्ब है 220 वोल्ट इसकी रेटिंग है, ठीक है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना है 484 ओम। अब इस बल्ब को ये कहां पे लिया आपने, इंडिया में लिया, और आप चले गए इसको लेके कहां पर, अमेरिका। तो अमेरिका में जो सप्लाई है वो तो होती है 110 वोल्ट। इस बल्ब को उठा के अमेरिका में ले गए आप और इसको कनेक्ट किया कितने वोल्ट से, 110 वोल्ट से, तो पावर कितनी जनरेट करेगा ये निकालना है क्वेश्चन। जब इस बल्ब को मैं अमेरिका में जाके जलाऊंगा तो ये कितनी पावर जनरेट करेगा, क्या 100 वाट ही करेगा या 100 वाट से ज्यादा करेगा या 100 वाट से कम करेगा, पहले तो इसका आंसर बताओ। पावर कितनी जनरेट करेगा, 100 वोल्ट 100 वाट करेगा या 100 वाट से ज्यादा करेगा या 100 वाट से कम करेगा, पहले तो ये देखो क्या इस बल्ब को जो मैं अमेरिका में ले जाऊंगा क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्या रेजिस्टेंस प्लेस पर डिपेंड करता है? नो सर, रेजिस्टेंस तो प्लेस पे थोड़ी करता, रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे करता है। इसका रेजिस्टेंस आर इसका अभी भी 484 ओम ही होगा, आर इसका अभी भी 484 ओम ही होगा। तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी की जगह ले लेंगे, वी की जगह इस बार क्या लूंगा 110 इंटू 110 और 484 का मतलब कितना होगा 22 into 22 पावर आ जाएगी 5 5 जा 25, तो वहां पर ये सिर्फ 25 वाट ही जनरेट करेगा। मतलब जो बल्ब का ग्लो जो इंडिया में जितना ग्लो कर रहा है उसका सिर्फ 25% ही ग्लो करेगा अमेरिका में, अगर इस बल्ब को आप अमेरिका में ले जाओगे तो। आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने 3 बल्ब खरीदे, बल्ब 1 बी 1, इस बल्ब 1 की जो रेटिंग है वो है 100 वाट 220 वोल्ट। एक दूसरा बल्ब है बल्ब 2, इसकी रेटिंग है 50 वाट 220 वोल्ट। एक तीसरा बल्ब है B3, इसकी रेटिंग है 25 वाट
220 वोल्ट, इन तीनों बल्ब को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तीनों को क्या करा मैंने, तीनों को पकड़कर B1, B2, B3 तीनों को पकड़कर सीरीज में लगाकर मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी। तो मुझे बताना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, Which bulb will glow more? Which bulb will glow more? मतलब किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? ग्लोनेस का मतलब किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो देखो ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो ग्लो ज्यादा करेगा। अब सीरीज में लगाने पर कौन ज्यादा पावर ग्लो करता है, पावर कंज्यूम करेगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, इनके रेजिस्टेंस क्या क्या होंगे? देखो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1 बोल देता हूं मैं इसको, क्या होगा रेजिस्टेंस का, वही वी स्क्वायर बाय पी से निकालेंगे हम लोग। वी पता है 220 into 220, तो कितना आया था ये बेटा, 22 into 22 आया था, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अभी निकाला था मैंने। R2 बल्ब 2 का रेजिस्टेंस को मैंने R2 बोला, ये क्या होगा वी स्क्वायर बाय पी, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा का कम आएगा, 220 into 220 डिवाइडेड बाय 50, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 220 into 20 484, तो ये जो आएगा ये आएगा 484 into 2, ये आएगा 484, ठीक है, 484 into 2 आएगा आई थिंक, हाँ 484 into 2 आएगा। R3 बल्ब 3 का जो रेजिस्टेंस होगा 20 into 220 डिवाइडेड बाय 25, तो इसकी वैल्यू आएगी, फोर इंटू फोर ओम। मतलब जो बल्ब, जिस बल्ब का की पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जिस बल्ब की पावर ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा R1 का, फिर उसके बाद होगा R2 का, फिर उसके बाद होगा R3 का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब ये सीरीज में लगे तो सीरीज में इनमें क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगी। मुझे पता है कि बल्ब अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो इनमें करंट सेम होगी। मैंने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, P = VI और I² R और एक और था V² / R, ठीक है। तो I सबके लिए सेम है, तो मैं पावर का इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा I² R, क्योंकि I तो सबके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। तो पावर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और वो जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है वही ज्यादा ग्लो करेगा। तो यहां पे आप लिखो सेंस R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, देयरफॉर पावर 3, ये P3 का मतलब है जो थर्ड वाले बल्ब में जो पावर कंज्यूम होगी, P3 ग्रेटर देन आएगा P2 ग्रेटर देन आएगा P1, और दिस इंप्लाइज दैट पावर ज्यादा आई, इसका मतलब इसका ग्लोनेस भी जो होगा, B3 ग्रेटर देन होगा B2 ग्रेटर देन होगा B1। ये बल्ब के नाम नहीं है, ब्राइटनेस ऑर्डर है, B फॉर ब्राइटनेस, बल्ब के नाम मत लिख लेना, ब्राइटनेस ऑर्डर। तो B3 जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा as compared to B2 than B1, आया समझ में? चलो
चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी में ही अगला सवाल। अब अगर इन तीनों बल्ब को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, बी वन बी टू बी थ्री और फिर इसको सप्लाई दे दूं 220 वोल्ट की सप्लाई दे दूं, तो अब बताओ विच बल्ब ग्लो मोर, अब कौन सा बल्ब ग्लो ज्यादा करेगा? तो क्या अब भी सेम फॉर्मूला लगेगा क्या? तो अब जब पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में हम लोगों को पता है कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें वी को मैं मुझे आसानी हो इसको कंपेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर। वी तो सबका सेम होगा, इसका वी क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो वी तो सेम होगा। तो पावर इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कम होगी। ठीक है, तो सिंस R3 थ्री इज ग्रेटर देन आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, तो पावर वन या P3 थ्री स्मॉलर देन होगा P2 से, स्मॉलर देन होगा P1 से। तो मतलब बल्ब वन में पावर ज्यादा जाएगी और बल्ब थ्री में पावर सबसे कम जाएगी। तो ग्लो जो करेगा बल्ब वन ज्यादा ग्लो करेगा, तो B1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा B2 से, वो ग्रेटर देन होगा B3 से। ये इस बार ब्राइटनेस ऑर्डर होगा, इसलिए हम लोग घरों में जो कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल ही करते हैं, क्योंकि 100 वाट का बल्ब है, सिंपल सी बात है, 100 वाट का बल्ब है तो ज्यादा ग्लो करना चाहिए, मुझे 25 वाट का बल्ब है तो कम ग्लो करना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो कनेक्शन करते हैं घरों में बल्ब को के वो पैरेलल में करते हैं, जिसकी जो रेटिंग होगी वो उसी हिसाब से ग्लो करेगा। ये आपका ब्राइटनेस ऑर्डर होगा, आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, आपने दो बल्ब लिए, बी वन इसकी रेटिंग दे रखी है 100 वाट 220 वोल्ट, एक दूसरा बल्ब लिया B2 इसकी रेटिंग दे रखी है 25 वाट 220 वोल्ट। अब इन दोनों बल्ब को मैंने सीरीज में जोड़ा, और सीरीज में जोड़कर मैंने सप्लाई जो दी वो कितनी दी मैंने सप्लाई 440 वोल्ट, तो क्या होगा? ये 220 है, ये 220 है, दोनों ग्लो करेंगे क्या? सप्लाई मैंने दी थी 440, क्या दोनों बल्ब ग्लो करेंगे या फ्यूज हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, कोई बल्ब कब फ्यूज होता है, कोई बल्ब कब फ्यूज होता है? मान लो ये 220 वोल्ट का है, इसको मैं 220 वोल्ट से अगर ज्यादा दे दूंगा, 250 या 300 वोल्ट दे दूंगा, तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। जो उसकी रेटिंग दे रखी है, अगर उस रेटिंग से ज्यादा वोल्टेज दे देते हो तो बल्ब फ्यूज है। कम दे सकते हो आप, लेकिन ज्यादा दोगे तो वो खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, मुझे पता लगाना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। विच बल्ब विल फ्यूज, विच बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, विच बल्ब विल फ्यूज, कैसे निकालेंगे?
रेजिस्टेंस निकालना आता है आप लोगों को। R1 कितना होगा, निकाला था हमने 484 ओम आया था। R2 कितना जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 484, 4 टाइम्स ऑफ 484 ओम, ये R2 हो जाएगा आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस निकाल लिया, आप कैसे सॉल्व करेंगे,